आज हम 15 मिनट में बनके रेडी हो जाए ऐसी रेस्टोरेंट स्टाइल कुकर में पनीर की सब्जी बनाएंगे और साथ में गेहूं के आटे की नरम मुलायम रुमाली रोटी। घर में कोई पार्टी रखी है या मेहमान आने वाले हैं तो उस टाइम पे तुरंत ही बना के सर्व कर सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं कुकर में पनीर बटर मसाला सब्जी और आटे की रुमाली रोटी। कुकर में 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे, 1 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 तेज पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 5 से 6 काली मिर्ची ली है। ये सब कुकर में डाल देंगे। खड़ा मसाला को लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के खुशबू आने तक भुनेंगे। इसे 2 मिनट के लिए भून लिया है। 5 से 6 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे चॉप करके डाल देंगे। गैस की फ्लेम धीमी रखेंगे। 2 टेबल स्पून काजू का टुकड़ा लिया है, 7 से 8 काजू इसमें डालना है। 1 टेबल स्पून मगजतरी सीड्स, 1 मीडियम साइज का प्याज और 3 मीडियम साइज का टमाटर को चॉप करके लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। 3 कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे, अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चला के 2 से 3 मिनट के लिए प्याज और टमाटर को भुनेंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची मैंने डाली है, इसमें से मैंने थोड़ा थोड़ा बीज निकाल दिया है। अगर सब्जी आपको स्पाइसी चाहिए तो आप बीज मत निकालना। 1/2 कप पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके तेज आंच पे 3 सीटी तक कुक करेंगे। प्याज और टमाटर कुक हो रहे हैं तब तक हम रुमाली रोटी का आटा लगा देंगे। तो 2 कप गेहूं का आटा 1 बाउल में डाल देंगे। रेस्टोरेंट में अक्सर मैदे से रुमाली रोटी बनाई जाती है, पर घर में हम बना रहे हैं तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून चीनी का पाउडर डालेंगे, 3/4 टीस्पून नमक या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, 2 टीस्पून तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डालेंगे। ये आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, और क्रीम भी नहीं है तो आप इसमें 1/2 कप दूध डाल के डो बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेंगे। एकदम अच्छे से मसल के एकदम स्मूथ डो बनाएंगे। डो को हम इस तरह से 7 से 8 बार पटकेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ बन जाएगा और एकदम सॉफ्ट डो बनेगा। आप देख सकते हैं डो एकदम स्मूथ बन गया है और बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहा है। इस तरह का डो हमें बनाना है और इतना सॉफ्ट रखना है। मैंने इसमें 1 कप पानी डाल के डो बनाया है। 1 टीस्पून तेल डाल के डो को चिकना कर लेंगे। ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। कुकर ठंडा हो गया है। प्याज और टमाटर एकदम अच्छे से कुक हो गया है। इसे 1 बाउल में निकाल के रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक ठंडा कर लेंगे। प्याज और टमाटर का मिश्रण एकदम ठंडा हो गया है तो इसे मिक्सर जार में डाल देंगे। 5 क्यूब पनीर का डालेंगे। पनीर इसमें डालने से ग्रेवी एकदम क्रीमी बनेगी। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। इसमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही ग्राइंड करेंगे। इसे ग्राइंड करके एकदम स्मूथ पेस्ट बनाई है। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर। धीमी आंच पे अच्छे से मसाले को भुनेंगे। 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर भी डाल देंगे। मसाला अच्छे से भून गया है, मसाला जलना नहीं चाहिए, एकदम धीमी आंच पे इसे भुनना है। पेस्ट बनाई है ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के ग्रेवी को 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। मिक्सर जार में 1/2 कप तेज गरम पानी डाल के ले लिया था, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। 2 से 3 मिनट ग्रेवी को कुक करेंगे।
साथ में ही एक टीस्पून में थोड़ा कम नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आधी टीस्पून चीनी, अच्छे से चला लेंगे। आधी टीस्पून पंजाबी गरम मसाला पाउडर डालेंगे। पंजाबी गरम मसाला पाउडर की रेसिपी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आधी टीस्पून किचन किंग मसाला, ग्रेवी में एक बॉईल आ गया है। 250 ग्राम पनीर का क्यूब करके लिया है, ये डाल देंगे। अच्छे से चला लेंगे। 2 टेबलस्पून फ्रेश मलाई डालेंगे। आपके पास मलाई नहीं है तो क्रीम डाल सकते हैं। अच्छे से चला लेंगे। ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। 4 मिनट के लिए सब्जी को कुक कर दिया है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। 1 टेबलस्पून बटर, गैस ऑफ कर देंगे। इंस्टेंट पनीर बटर मसाला सब्जी रेडी है। आटे को रखे 10 मिनट हो चुकी है, इसे अच्छे से मसल लेंगे। एक ही साइज के 2 लोई बनाएंगे इस तरह से। इसे सूखे आटे में लपेटेंगे। पूरी के जितना बेल लेंगे। दूसरी लोई लेंगे, इसे भी सूखे आटे में लपेटेंगे और इसे भी पूरी के जितना ही बेलेंगे। बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा रुमाली रोटी बना सके, इस तरह से आज हम रुमाली रोटी बनाएंगे। 2 छोटी रोटी बना के रेडी की है, इसके ऊपर हम तेल लगाएंगे। दोनों रोटी के ऊपर तेल लगाएंगे। इसे सूखे आटे में लपेटेंगे, इस तरह से अच्छे से आटा लगा देंगे ऊपर। दूसरी रोटी के ऊपर भी आटा लगा देंगे, इस तरह से एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख देंगे। सूखा आटा लेके इसे पतली बेलेंगे। बड़ी साइज की और पतली रोटी बेल के रेडी कर ली है। तवा गरम करने के लिए रख दिया है और ये अच्छे से गरम हो गया है। इसमें रोटी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे रोटी को कुक करेंगे। नीचे से लाइटली कुक हो जाए तभी हमें इसे पलट लेना है, इस तरह से। दूसरी साइड पे कुक करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। इस तरह से लाइटली इसे रुमाल से प्रेस करके कुक करेंगे, पलट लेंगे। अब देख सकते हैं अच्छे से डॉट्स आ गया है। दूसरी साइड पे भी कुक करेंगे इसी तरह से। दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो गई है। इस तरह से रोटी को अलग कर लेंगे, नीचे उतार लेंगे। गरम रोटी के ऊपर बटर लगाएंगे। आप इसके ऊपर घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे। गरम गरम रोटी को कैसे रोल में रख देना है ताकि ये ड्राई नहीं हो जाए और कड़क नहीं होगी। इस तरह से हम सभी रोटी बना लेंगे। रोटी को तेज आंच पे ही कुक करना है। धीमी आंच पे कुक करेंगे तो रोटी कड़क हो जाएगी। तो इस तरह से अब तेज आंच पे ही इसे कुक करेंगे। पनीर बटर मसाला सब्जी और आटे की रुमाली रोटी बनके रेडी हो गई है। रोटी एकदम नरम मुलायम और सॉफ्ट बनी है। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।